नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका गोपाल। हमारा किचन पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अब हम बनाने जा रहे हैं हरा मटर का रोल या ग्रीन पीस रोल। बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए अब हम दिखाने जा रहे हैं इस वीडियो में, और इसका बनाने का तरीका क्या है। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखते रहे। अब हम बनाएंगे हरा मटर का रोल। मैंने यहाँ पर कढ़ाई बैठा लिया है और हमारा कढ़ाई भी गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करते हैं ऑयल। तो हमारा ये देखिए तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करते हैं थोड़ा सा जीरा से, और इसे तेल में आसपास से भून लेंगे। नेक्स्ट ऐड करेंगे गार्लिक, आप लोग चाहे तो चॉप गार्लिक डाल सकते हैं। तो दोस्तों गार्लिक का थोड़ा हमें ऐड कर लेना है। ये देख रहे झिंजर, आप लोग चाहे तो चॉप भी झिंजर करके ऐड कर सकते हैं। तो इसे हम अच्छा से ऑयल पे भून लेंगे अच्छा से, और नेक्स्ट ऐड कर लेंगे ग्रीन चिली। तो ये तीनों को हमें तेल में अच्छा से बराबर भून लेना। तो दोस्तों देख रहे हैं हमारा गार्लिक जिंजर ग्रीन चिली मैंने कैसा अच्छा से ब्राउन कर लिया। देख रहे आप लोगों को सेम ऐसा ही ब्राउन कर लेना है। अब हम इसमें ऐड करते हैं ग्रीन पीस। ये देखिए ग्रीन पीस अब हम इसमें ऐड करके अच्छा से टॉस करते हैं। तो आपको ऐसा धीरे धीरे अच्छा से टॉस कर लेना है। देखिए मैंने कैसा टॉस कर रहा हूँ, आपको ऐसे भूनना है। अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं मसाला। तो ऐड करेंगे स्वादिष्ट अनुसार सॉल्ट, आपको जितना नमक चाहिए उस हिसाब से ऐड कर लीजिए। ऐड करेंगे थोड़ा सा जीरा पाउडर, रोस्टेड जीरा पाउडर है। ऐड करेंगे थोड़ा सा धनिया पाउडर, ऐड करेंगे थोड़ा सा टर्मेरिक पाउडर, और ऐड करेंगे थोड़ा सा चिल्ली पाउडर। साथ में ऐड करेंगे थोड़ा सा कास्तूरी मेथी, और ऐड करेंगे 1 स्पून गरम मसाला पाउडर, और ऐड करेंगे थोड़ा सा चाट मसाला। तो ये सारे मसाला को ग्रीन पीस के साथ अच्छा से टॉस कर लेंगे। तो हमें अच्छा से टॉस कर लेना है। अच्छा से टॉस कर लिया है। अब मैं ऐड कर रहा हूँ पोटैटो, यह बॉइल पोटैटो है। आप लोग ग्रीन पीस को अच्छा से पेस्ट करने के बाद पोटैटो मैश करके ऐड कर सकते हैं, या मैंने इसमें ऐड कर दे रहा हूँ बॉइल पोटैटो, क्योंकि हमारा पास मशीन है। हम मशीन में सारे अच्छा से मसाला का साथ मिला के इसको कीमा बना लेंगे। अगर आप लोग घर में बना रहे तो पहले ग्रीन पीस को अच्छा सा कीमा कर लीजिए, और उसका बाद ऐड कीजिए मैश पोटैटो। पोटैटो को अच्छा सा ग्रेट करके मैश करके ऐड कर सकते हैं। तो देख रहे हमारा ये मसाला रेडी है, मैंने इसको अच्छा से टॉस कर लिया है। अब हम इसको अच्छा से ठंडा कर लेंगे और इसको कीमा कर लेंगे। तो आप लोग देख रहे मैंने मसाला कैसा टॉस कर रहा हूँ, आप लोग कुछ ऐसा टॉस कर लेंगे मसाला। तो अब हमें इसे अच्छा से ठंडा कर लेंगे। तो दोस्तों अब हम इस मिक्सर को धीरे धीरे इस मशीन पे अच्छा से फाइनली कीमा कर लेंगे। देख रहे मैंने मशीन पे कीमा कर रहा हूँ, आप लोगों को सेम ऐसा ही मिक्सी में कीमा कर लेना है। आपको सेम ऐसा ही देख रहे कीमा कर लेना है। तो दोस्तों देख रहे हैं मैंने कीमा करके लेके आ चुका है, हमारा मीन्स तैयार हो चुका है। और अब आप इसको सॉल्ट स्पाइसी बराबर है कि ना आपको चेक कर लेना है। मैंने चेक कर लिया, ये परफेक्ट है। तो अब हम इसमें ऐड करते हैं थोड़ा सा ओरिएंटल लीफ चॉप, और ऐड करेंगे थोड़ा सा क्रश कैसुनेट, आपको कैसुनेट को अच्छा सा क्रश कर लेना है।
करेंगे थोड़ा सा चॉप ड्राई ग्रेव्स। तो अब हम इसको अच्छा से मिला देंगे, आपको अच्छा से मिक्स कर लेना है। तो दोस्तों बैटर बनाने के लिए हमें एक बॉल में ऐड कर लेंगे थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और ऐड करेंगे थोड़ा सा मैदा और ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक। अब हम इसको अच्छा से बैटर बना लेंगे। तो दोस्तों देख रहे हैं हमारा ये बैटर रेडी है। अब हम इसमें डीप करके पैटी बनाएंगे। मैंने ब्रेड ग्राम लिया है, ये ब्रेड ग्राम पे हम कोटिंग करने वाले हैं। तो दोस्तों देख रहे हैं ये है मिक्सर, इसको हाथ में हम लेंगे ऐसा और सेम ऐसे ही हमें रोल बनाना है। आपको सेम ऐसे ही रोल बना लेना है और इस बैटर में अच्छा से डीप करके हमें इसमें ब्रेड ग्राम पे ऐड करके कोटिंग बनाना है। तो आपको धीरे धीरे सारे ग्रीन पीस को ऐसे रोल बनाना है और यहाँ पर देख रहे हैं बैटर में अच्छा सा कोटिंग करके ब्रेड ग्राम लगा देना है और आपको देख रहे हैं सेम ऐसे ही रोल बनाना है। जैसे मैंने बना रहा हूँ आपको सेम ऐसे ही रोल बना लेना है। देख रहे हैं आपको सेम ऐसे रोल बना लेना है। तो दोस्तों हमारा ये रोल रेडी हो चुका है और यहाँ पर ऑयल भी गर्म हो चुका है। देख रहे हैं आपको ज्यादा गर्म नहीं करने का, ऑयल स्लो फ्लेम पे अच्छा से ये रोल को डीप फ्राई कर लेंगे। तो देख रहे हैं आपको सेम ऐसा ही गोल्डन ब्राउन कलर का जैसा डीप फ्राई कर लेना है और अब हम इसको प्लेट कर देंगे। हमारा ये ग्रीन पीस रोल रेडी हो चुका है और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं थोड़ा सा लेमन और गार्निश की ओर पे ऐड कर देते हैं ये देख रहे थोड़ा सा हरा पत्ता वाला माइक्रो ग्रीन्स। तो कैसा है हमारा ये हरा मटर का रोल? मैं चाहूंगा आप लोग सेम ऐसा ही रेसिपी फॉलो करके सेम ऐसा ही कबाब बना सकते हैं। मैं चाहूंगा आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा तक शेयर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ कमेंट करते रहिए। मैं हूं शेफ गोपाल, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नया खाने का साथ। बाय बाय, थैंक यू।